बिल्डिंग बन गई मरकजी दरवाजा कहां लगाए, मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक की तामीर में नाकिस हिकमत अमली, गेट नस्ब करने के लिए गंगाराम अस्पताल से मुतासल कदीम मस्जिद शहीद करना पड़ी, मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक के फंड से लॉन में मुतमादिल मस्जिद बनवाई, नाकिस प्लानिंग से लागत 10 अरब तक जा पहुंची। सरकारी अस्पतालों में तामीराती काम अधूरे, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मजीद 11 अरब मांग लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ के लिए 65 करोड़, फातिमा जना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल के लिए 30 करोड़ इजाफी तलब, मां बच्चा सेहत अस्पताल के लिए 1 अरब, कैंसर के मरीजों के लिए मशीनरी की मद में 2 अरब डिमांड। इमरान खान का CCPO लाहौर को तबादले के बावजूद काम जारी रखने का हुक्म, ग्रीन टाउन मुकदमे पर वेल डन कहा, मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ की गिरफ्तारी से मुतालिक गुफ्तगु, 9 मुंतखब MP असद खोकर को गिरफ्तार न करने पर बातचीत, बताया कि असद खोकर की गिरफ्तारी की तैयारी थी, वो छापे से पहले मुल्क से बाहर चले गए, चेयरमैन तहरीक साफ और गुलाम महमूद डोगर में मुलाकात की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। CCPO को रिलीफ करें, विफाक का फिर पंजाब को मुरासला, विफाक ने गुलाम महमूद डोगर के खिलाफ मुतादिल शिकायत इकट्ठी कर ली, पंजाब का CCPO को रिलीफ करने से फिर इनकार, कहा शिकायत हमें बताएं, इंक्वायरी पंजाब हुकूमत खुद कराएगी। चीफ सेक्रेटरी की छुट्टी खत्म, कामरान अली अफजल अपने तबादले पर डट गए, वापस आने को तैयार नहीं, विफाक ने अभी तक नया चीफ सेक्रेटरी तैनात नहीं किया, अब्दुल्ला खान सुंबुल को चीफ सेक्रेटरी का इजाफी चार्ज दिया गया। परवेज इलाही की अपने जिले पर नवाजिशात, महकमे हाउसिंग ने PHA गुजरात के क्याम के लिए 1 अरब रुपए मांग लिए, 40 करोड़ सालाना ग्रांट भी तलब। लाहौर की 30 तरक्याती स्कीमों के लिए 2 अरब 56 करोड़ के फंड जारी, इजाफी फंड से वाटर फिल्ट्रेशन के नए प्लांट्स लगेंगे, मुहाफिज टाउन नास टाउन में टफ टाई लगेगी, गार्डन फैसल टाउन समेत दीगर इलाकों में सीवेज समेत दीगर काम मुकम्मल होना है। रॉन्ग पार्किंग जुर्म, सोमवार से 2000 रुपए जुर्माना होगा, ट्रैफिक पुलिस ने 3 रोजा आगाही मुहिम का आगाज कर दिया, CTO मुंतजी मेहदी का गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की भी 2000 रुपए की पर्ची कटेगी। रुपया मजबूत, डॉलर के कदम डगमगाने लगे, इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 44 पैसे सस्ता, 219 रुपए 80 पैसे का हो गया, पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जों के बोझ में 2500 अरब रुपए की कमी। सर्दी अभी आई नहीं, महंगाई की नई लहर आ गई, गीजर की कीमतों में 20% इजाफा, बड़ा गीजर 32,000 से बढ़कर 40,000 का हो गया, दरमियाने साइज के गीजर की कीमत 20,000 से बढ़कर 30,000 हो गई, शहरी नई मुश्किल का शिकार। सरकारी निरखनामा नजरअंदाज, दालों के महंगे दामों फरोख्त, दाल चना 240 से 250, माश छिलका 370 रुपए तक फरोख्त, काला चना 240 से 245, सफेद चने 300 रुपए फी किलो हो गए, असिस्टेंट कमिश्नर्स मजिस्ट्रेट्स निरखनामे पर अमल दरामद कराने में नाकाम। गौहर एजाज ने 20,000 सलाम मुतासरीन के लिए 1 माह का राशन तैयार कर लिया, 18 अरब रुपए से नया अस्पताल बनाने का भी ऐलान, गौहर एजाज ने कहा सलाम मुतासरीन मुश्किल में है, चाहते हैं गवर्नर हाउस रहमत का घर बने, गवर्नर बिलावल रहमान ने ग्रुप लीडर एप्टमा की इंसानियत के लिए खिदमात को सराहा। लेस्को 20 अरब रुपए से ग्रिड स्टेशंस ट्रांसमिशन लाइंस के काम मुकम्मल करेगी, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बजट की मंजूरी दे दी, बिजनेस प्लान नेप्रो को भी इस साल 5 अरब रुपए से ग्रिड स्टेशंस की तामीर होगी। ई ट्रांसफर पॉलिसी में खवातीन असातिज़ा से इम्तियाजी सलूक, को एजुकेशन क्लासेस में ट्रांसफॉर्मर्स की खवातीन असातिज़ा की दरख्वास्तें मुस्तरद, पॉलिसी में मेरिट पर पहले नंबर पर आने वाली खवातीन असातिज़ा का एहतजाज। तहरीक इंसाफ फॉरन फंडिंग केस की तहकीकात, इमरान खान के फ्रंट मैन हामिद जमान लाहौर से गिरफ्तार, FIA ने तारिक शफी को भी हिरासत में ले लिया, खैराती अकाउंट में भी फॉरन फंडिंग की वसूली का इंकशाफ, ट्रस्ट अकाउंट सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद के इस्तेमाल था, मदरसा इंतजामिया का बयान।
लाखों तलबा और असातिज़ा परेशानी का शिकार। वासा का नादहिंदगान के खिलाफ बड़ा फैसला, पानी के नए कनेक्शन लगाने बहाल करने के अख्तियार ऑपरेशन स्टाफ के हवाले। असिस्टेंट डायरेक्टर रेवेन्यू AFI से बिलों की इकसात के अख्तियार भी वापस ले लिया गया। महकमे खजाना को गवर्नर के लिए नई बुलेट प्रूफ गाड़ी की समरी मौसूल, स्टाफ के लिए एक फॉर्च्यूनर, 2 करोला समेत 8 गाड़ियां खरीदी जाएंगी, गाड़ियों के लिए 7 करोड़ 80 लाख रुपए तलब। विफाक ने सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के लिए मुतादिद अफसरान को नामजद कर दिया। CTO मुंतजिर मेहदी, इमरान किश्वर, उमर सईद कोर्स के लिए नामजद। सैयदा कलसूम, सालिहा सईद, अमारा खान, सुमेरा अहमद सईद, आसिफ तुफैल, शुएब जदून, डॉक्टर हैदर अशरफ शामिल। कोर्स 7 नवंबर से शुरू होगा। आम और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां, इलेक्शन कमीशन ने आखिरी मरहला भी अबूर कर लिया। नई वोटर लिस्टें तैयार, 64,45,549 लाहौरिये वोट कास्ट करेंगे। दुनिया से रुखसत होने वाले वोटर्स को लिस्ट से निकाल दिया गया। रंग के 4 गैले नाकिस क्वालिटी के देने का मामला, पेंट हाउस GT रोड के मालिक के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर। फैन रोड के आमिर रशीद ने सारफ अदालत में दावा दायर किया, दुकानदार 25 अक्टूबर को तलब। वज़ीर-ए-आला को इरसाल, अली जफर अहसन वहीद की ग्रेड 21 में तरक्की होगी। हाफिज अनीसुर्रहमान, शहनशाह फैसल अजीम की ग्रेड 20 में तरक्की। SSP इसरार अबासी का नेक्टा से FIA तबादला, SP तनवीरुल हसन और SP इसहाक हुसैन को गिलगित से सिंध भेज दिया गया। बादशाही मस्जिद में सीरत रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, मजलिस उलमाए पाकिस्तान ने अहतमाम किया। खतीब व अमाम बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने सदारत की। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमाए किराम और मशाइख की शिरकत। उज़र महकमा औकाफ के ज़ेरे अहतमाम रबीउल अव्वल की मुनासिबत से तकरीब, सेक्रेटरी औकाफ मियाँ इब्रार अहमद ने केक काटा। खतीब दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी, डॉक्टर ताहिर बुखारी, वाहिद अर्जुमंद ज़िया की शिरकत। महकमा सियाहत के ज़ेरे अहतमाम महफिल मिलाद, कारी शुएब कादरी ने गुलहाए अकीदत पेश किए। फजा द्रूदो सलाम से मुअत्तर, सिद्दीक ट्रेड सेंटर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से केक काटने की तकरीब। सदर सैयद अजहर शाह, शाहिद नसीर, हाजी इशफाक की शिरकत। उधर अल मेराज चौक सब्जाजार में जश्न ईद मिलादुन्नबी रैली, मियां महमूद यूसुफ की क्यादत में अल मेराज चौक से क्रिकेट स्टेडियम तक रैली निकाली गई। सीनियर वजीर असलम इकबाल से वज़रा अरकान असम्बली की मुलाकातें, सूबाई वज़रा हसनैन बहादुर दरशेख सरदार आसिफ नकई ने मुलाकात की। जहांज़ेब खान, सैयद समसाम बुखारी, मोहम्मद रिजवान, रियाज फुतियाना, नदीम इब्राहिम शामिल भी मिले। तरक्याती स्कीमों, तरक्याती मसाइल और सियासी अमूर पर गुफ्तगू। 8 माह के दौरान संगीन जुराइम में 90% इजाफा, पुलिस में सिफारिशी तैनातियों से जुराइम बढ़े। इश्तहारियों की अदम गिरफ्तारी पर IG रीजनल और जिलाई अफसरान से नाराज, CCPO समेत RPOs DPOs को इजहार नाराजगी का मरासला इरसाल। DG फूड अथॉरिटी के रेस्टोरेंट एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात, गोश्त, दूध, ऑयल, पानी के इस्तेमाल के हवाले से तबादला ख्याल। DG मुदस्सिर रियाज मलिक की वफ्द को स्टोरेज का रिकॉर्ड रखने की हिदायत। एक्सपो सेंटर में पाक मेडिका एक्सपो का दूसरा रोज, तुर्किया, पाकिस्तानी मेडिकल फार्मा, बायो मेडिकल कंपनियों की प्रोडक्ट्स रखी गई। नुमाइश में जदीद मशीनरी से लेस एम्बुलेंस तवज्जो का मरकज। कारगेटेड कार्टन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वफ्द का लाहौर चैम्बर का दौरा, वफ्द ने अहदेदारों के मसाइल से आगाह किया। नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान भट्ट की मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। मुजाहिद मकसूद भट्ट, मियाँ अबूजर शाद, राजा हसन अख्तर भी मौजूद थे। सर्विसेज अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए वॉक, प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर फारूक अफजल क्यादत की, प्रोफेसर तैयबा वसीम, प्रोफेसर उबैद समेत दीगर शरीक हुए। वर्ल्ड पोस्ट डे पर जनरल पोस्ट ऑफिस में तकरीब, ख्वाजा इमरान रजा ने GPO में पौधा लगाया, परचम कुशाई की। पोस्ट मास्टर सेंट्रल पंजाब मौसम मंसूर, अनवार खरल, आसमा अमीन, समन शिराजी मौजूद थी।
और स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का खेल लड़कियों में भी मकबूल होने लगा। वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खवातीन इवेंट में भी मेडल जीत रहा। नेशनल वेट लिफ्टिंग क्लब में लड़कियां स्ट्रेंथ लिफ्टिंग की ट्रेनिंग करती हैं।